राजस्थान विधानसभा के का चुनाव 7 दिसंबर को होना है, 11 दिसंबर को उस चुनाव का नतीजा आ जाएगा। ये किसकी सरकार बनेगी, जनता इस बार किसको चुनेगी, ये तो डिपेंड करता है यहाँ के वोटर्स पे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि मुद्दे क्या होंगे, चुनावी मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पे राजस्थान की जनता इस बार वोट करने जा रही है, इन सब को जानने के लिए हमारे साथ इस इशू पे बात करने के लिए सीबी यादव जी। सीबी यादव असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में इस यूनिवर्सिटी के। हम इनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के और ये चुनाव किसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। सर, आप न्यूज़क्लिक से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं कि इस चुनाव के क्या मुद्दे होंगे इस बार। मैंने ये महसूस किया कि शायद आफ्टर इंडिपेंडेंस जो राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं वो बहुत विचित्र प्रकार के चुनाव है। जहां आप मुझे ये पूछो कि इसमें मुद्दे क्या होंगे, तो मैंने बहुत गहरे से महसूस किया कि एक प्रमुख मुद्दा जो जनता के बीच में एक शब्द में उभर के आया, वो आया कि एंटी वसुंधरा, हमें वसुंधरा नहीं चाहिए। वस्तु तो हुआ क्या है, मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जो यहाँ बीजेपी की जो सत्ता में आई है वो शायद 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा, 200 में से 163 सीट राजस्थान ने दी है। और जो पिछली बार का चुनाव था वो बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव था। वहाँ कहीं ऐसा था ही नहीं कि चुनाव राज्य सरकार के हो रहे हैं, वो चुनाव ऐसा था कि चुनाव मोदी लड़ रहा हो पूरा तरह से, जैसे विधायक खड़े नहीं थे, नरेंद्र मोदी को लोग वोट दे रहे थे, चुनाव राज्य सरकार के हो रहे थे, नाम मोदी का था। लेकिन उसके बाद में इस चीज़ को जो समझा राजस्थान सरकार, उन्हें लगा कि नहीं, सत्ता जो है हमारे पक्ष में आ गई है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि पिछली बार जो गहलोत सरकार के अंतिम कार्यकाल में जो वेलफेयर के जो पॉलिसी डिक्लेरेशन हुई वो एक ऐतिहासिक डिक्लेरेशन थी। लेकिन मोदी फैक्टर ऐसा आया कि बहुत सारे एनालिटिकल जो थे उनको ये लगा कि जो विकास है, वो विकास जो मुद्दा है वो शायद कहीं जनता के बीच में रहता ही नहीं रहे। क्योंकि वेलफेयर की स्कीम, ये ज़रूर है कि उन्होंने देरी की थी स्कीम्स को डिक्लेरेशन में, लेकिन अब इस बार जो चीज़ें हुई वो ये हुआ कि वसुंधरा का जो शासन था वो जो गहलोत के जो अंतिम पीरियड था उससे तुलना होने लगी, कि उन्होंने वेलफेयर की जो स्कीम्स डिक्लेरेशन की थी। और उन सब का परिणाम ये देखा जा रहा है कि एक बड़ा मुद्दा जो सामने उभर करके आ रहा है वो ये है कि एंटी वसुंधरा। और जो 5 साल में जो बीजेपी सरकार की जो नीतियां रही है वो ऐसा कहीं लगा नहीं कि सरकार की उपस्थिति भी दर्ज हुई हो, बिल्कुल निष्क्रियता सी की स्थिति रही थी। जो वेलफेयर स्कीम जो गहलोत सरकार की थी उनको हमेशा एक लूज करने का, कमज़ोर करने का कोशिश किया, तो जनता के दिमाग में हमेशा वो बड़ी बात थी। जहाँ तक आप मुद्दों की बात करते हैं तो जो पिछले 3-4 सालों में जो मुद्दे रहे हैं वो ओवरऑल बन करके एक जगह आए हैं। और जो प्रमुख मुद्दा रहा राजस्थान में वो ये रहा कि विभिन्न किसान संगठनों ने जो किसान आंदोलन किए, वो राजस्थान में खेती और किसानी की जो दुर्दशा हुई उससे बिल्कुल त्रस्त आ गई थी एकदम से जनता, और उस दुर्दशा को और जो चोट की वो डिमोनेटाइजेशन ने कर दी, तो बहुत ज़बरदस्त पीड़ित हुआ जो। और सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की थी कि इस गवर्नमेंट में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जिसके माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम्स को और शिकायतों को पहुँचा पाओ। कई बार ये होता है कि देखिए कंप्लेन होती है, शिकायतें होती है, असंतोष होता है, लेकिन असंतोष का एक मैकेनिज्म होता था। इस बार ये महसूस हुआ कि आप चाहे कितने ही मूवमेंट कर लो, चाहे कितना ही विरोध कर लो, जिससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस तरह से एक पिछले लास्ट तीन चार साल में एक माहौल डेवलप हो गया कि हमें किसी भी कीमत पर वसुंधरा नहीं चाहिए। तो एक जो माहौल है वो मैं कहूँगा कि न एंटी बीजेपी है, न ज़्यादा बहुत मोदी विरोधी माहौल नहीं है, लेकिन वसुंधरा विरोधी एकमात्र मुद्दा आ गया जिसमें सारे मुद्दे समाहित हो गए। इनमें एक बड़ा फैक्टर आता, वो रहा था पीपीपी मॉडल पर यहाँ एजुकेशन को देना, पीपीपी मॉडल पर बहुत सारी चीज़ें करना, तो उससे भी जनता में एक इनसिक्योरिटी व्याप्त हुई है। इवन जो बीजेपी का एक बहुत बड़ा बैक सपोर्ट होता आरएसएस, वो नहीं चाहता कि बीजेपी आए। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की जो अपनी इंटरनल इनफाइटिंग है, आरएसएस से उनके इक्वेशन में आपके हिसाब से प्रॉब्लम है, और कांग्रेस का कोई अचीवमेंट नहीं, इस ये सारी जो चीज़ें हैं ये कांग्रेस के लिए एक एडवांटेज साबित हो सकती हैं, इसमें कांग्रेस का अपना कोई अचीवमेंट नहीं है। दूसरी बात आपका ये भी कहना है कि यहाँ का मैंडेट
एंटी बीजेपी मैंडेट नहीं होगा, एंटी वसुंधरा मैंडेट होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपस में तो इंटर रिलेटेड है ही ना, ये कह सकते हो कि आपस में इंटर रिलेटेड है, क्योंकि वसुंधरा बीजेपी का फेस है, लेकिन जो जनता में जो मैसेज है वो उस फेस को जो लीड कर रहा है उसके प्रति विरोधी भावना है। अब हो क्या रहा, जैसे केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, बहुत सारे लोग जो है ना बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी को ज़्यादा मानने लग गए, वसुंधरा का मतलब बीजेपी नहीं मानते, ये मतलब एक बेसिक सा परसेप्शन बनाया। तो कुल मिलाकर के जो भावनाएं उभरी एकदम से, वो वसुंधरा विरोधी भावनाएं उभरी है, राजस्थान सरकार के विरोधी भावनाएं उभरी है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा तारिक भाई कि यहाँ कांग्रेस का कोई अचीवमेंट नहीं था, ये पूरा माहौल जो बनाया गया, तैयार किया गया, वो विशेषकर कुछ किसान संगठनों ने, कुछ बुद्धिजीवियों ने, जब इस देश के संवैधानिक संस्थाओं का जैसे हाईजेक हो रहा था इस देश में, ऐसा लग रहा था उस समय राज्य में, ऐसा लग रहा था कि जैसे सरकार बिल्कुल इस कदर उतर गई है कि उसे ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी करूं तो मेरा कोई विरोधी नहीं होगा। तो उस परिस्थिति में इन कुछ वर्गों ने मूवमेंट किए हैं, लिखना शुरू किया, साहस दिखाया, और चूँकि जनता में भावनाएँ थी फिर उसको बल मिला। एक मैकेनिज्म जो था वो केवल कांग्रेस के पास में था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जनता विश्वास कर रही है कांग्रेस पर, लेकिन अगर कांग्रेस सही नहीं उतरी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये शायद अंतिम बार विश्वास होगा, और उसके बाद में राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। रीजनल पार्टीज अब की बार भी देख रहे हैं कि व्यक्ति विशेष उभर रहे हैं, पार्टियों से विश्वास कम हो रहा है। तो जो नेक्स्ट फेज देखोगे उसमें राजस्थान में एक अलग प्रकार, जो साउथ में आज से 20 साल पहले हुआ वो राजस्थान में अब होगा अगले चुनाव में। राजस्थान ट्रेडिशनली एक एग्रीगेरियन सोसाइटी रही है, यहाँ पे एक एग्रीगेरियन पॉपुलेशन है जाट्स की, जो कि बहुत साइजेबल पॉपुलेशन है, 30% से ज़्यादा उनकी आबादी है, मेजर स्टेक है उनका यहाँ के पॉलिटिक्स में। क्या मुद्दे हैं किसानों के, चूँकि आप उस पर लिखते रहे हैं, उस पर पढ़ते रहे हैं, आपकी एनालिसिस है उस पर, क्या मुद्दे हैं किसानों के, और क्यों लोगों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने उनको उनके साथ उनके मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, उनके जो एस्पिरेशंस थे उसको फिलफिल नहीं किया? देखिए, यहाँ जो किसान मूवमेंट है, मुझे लगता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा अगर पिछले 3-4 सालों में जो मुद्दा रहा वो किसान का ही मुद्दा रहा है। लेकिन जो बड़ी बात जो इसमें रही है वो ये रही है कि जो किसान मूवमेंट को जो लीड कर रहा था अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसमें राजस्थान में जो नेतृत्व कर रहा था वो CPM कर रहा था, अमराराम नेतृत्व कर रहा था, और उसमें जो बेसिक मुद्दा उभर के आया वो ये मुद्दा उभर के आया कि 2004 में एक आयोग बना था, किसान आयोग, जिसके अध्यक्ष थे स्वामीनाथन आयोग, जिसने 2006 में एक रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट ये थी कि लागत जो किसान की है उस लागत पर ड्योढ़ा भाव मिलना चाहिए। अब यहाँ पे दो सवाल थे कि लागत क्या हो, लागत में उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया जिस फॉर्मूले को कहा गया C2 फॉर्मूला। उसमें तीन तरह की लागत जो है वो डिसाइड हुई। नंबर एक कि जो किसान की खेत में जो एक्चुअल में जो खर्चा होता है, जो खाद, बीज, ट्रैक्टर, जो तेल और बिजली, सारा खर्चा। दूसरा उसमें लेबर, जो श्रम जो परिवार का है वो श्रम को जोड़ा गया। और जो तीसरा है वो ज़मीन का रेंटल वैल्यू, कि ज़मीन की खुद की जो कीमत थी। इन तीनों को मिला करके जो लागत, और इस लागत पे 50% आपको बेनिफिट दिया जाएगा, ये एक पॉइंट जो है स्वामीनाथन आयोग ने रखा। 15 अगस्त 2007 को इस रिपोर्ट को लागू होना था। अब आप देखिए कांग्रेस इसे लागू नहीं करी, वाजपेयी के समय बना, कांग्रेस का पूरा 10 साल निकल गया, लागू नहीं हुआ। बीजेपी का ये प्रमुख एजेंडा था, और बीजेपी के मैनिफेस्टो में पेज नंबर 44 पर ये स्पष्ट तौर पर लिखा था कि हम सत्ता में आएंगे तो स्वामीनाथन आयोग की इस रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। आपको ताजुब होगा कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के एक जनहित याचिका लगाई गई, तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि हम इसे लागू नहीं कर सकते। उसके बाद में एक इंटेलेक्चुअल आंदोलन और फिर ज़मीनी आंदोलन शुरू हुआ। सबसे जो प्रमुख मुद्दा था वो इस बात को लेके था। इसका महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि इस रिपोर्ट को, जैसे वेतन आयोग लागू होता है बैक डेट में,
तो किसान संगठनों का ये कहना था कि 15 अगस्त 2007 से आप इसे लागू कर दीजिए, और फिर जो डिफरेंस आता है, वो जो डिफरेंस जो बन रहा है वो एक तरह से जैसे एरियर होता है, किसान को एरियर दीजिए, आप उसका ऋण माफ मत कीजिए। क्योंकि अभी तक जो ऋण माफ़ी की जो बात थी वो ऐसा लग रहा था कि किसान जैसे याचक हो, एक इंटेलेक्चुअल पॉइंट उठाया गया कि आप एरियर देते हुए जितना बनता है वो उनको दे दीजिए, उससे अपने आप ही किसान का पूरा ऋण था वो माफ़ हो रहा था। लेकिन चूंकि इस मांग के प्रति बहुत असंवेदनशीलता रही, और इसी बीच में राजस्थान में जो अमरा राम थे उन्होंने ऋण माफ़ी का एक मूवमेंट चलाया, बिजली के बिलों की वृद्धि को लेकर के मूवमेंट चलाया, और किसान में आक्रोश भरा ही पड़ा था। और ऐसा लगा कि हम लोग भी, मैं खुद उस मूवमेंट में एक बहुत बड़ा अहम भागीदारी अदा कर रहा था, तो ऐसा लगा कि जैसे किसान का मुद्दा इस चुनाव में, अगले जो केंद्र के चुनाव, राज्य के चुनाव होंगे, उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा होगा। और आप देखोगे इतना बड़ा जन सैलाब, और शायद पहली बार किसी मूवमेंट में महिलाएं बाहर निकल के आती है, हालांकि पूरा राजस्थान तो नहीं, लेकिन गंगानगर हनुमानगढ़ के अलावा जो शेखावटी बेल्ट था वो पूरा का पूरा इससे प्रभावित रहा। उसके बाद में एक गाँव बंद आंदोलन होता है, आप देखिए उसका कक्का जी ने डिक्लेरेशन किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ डिक्लेयर किया था, कोई नेता नहीं, और राजस्थान मैक्सिमम था उसमें सब्जी दूध ये रोक दी गई है, और वो आंदोलन भी बड़ा सफल हुआ। उस आंदोलन को मैं खुद नेतृत्व दे रहा था। आपको ताज्जुब होगा कि उस आंदोलन में जो सबसे बड़ा मुद्दा आया वो किसान का फसल का मुद्दा नहीं था, दूध का मुद्दा था। बेसिकली आज भी मुझे पता लगा कि हम राजस्थान में जो प्रमुख मुद्दा है वो दूध की गिरती हुई कीमतों का है, क्योंकि यहाँ पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है, खेती से भी ज़्यादा पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है। ये जब कहा जाता है कि किसान, तो किसान का मतलब वो सारे लोग जो खेती करते हैं, या ये कि यहाँ की जो 30% की पूरी पॉपुलेशन है वो खेती करती है, इसको डिफाइन करते हुए फिर आप उसी पॉइंट पे आइए कि जो मुद्दे हैं और वो मुद्दे किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ राजस्थान में किसान जो, अगर सेंसस के डेटा आज आप देखोगे तो 67% किसान है, लेकिन किसान मूवमेंट में क्या वो किसान शामिल है क्या, जिसकी हम 67% की बात करते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं। बेसिकली यहाँ किसान मूवमेंट को जो अब तक नेतृत्व दिया है वो एक जाट कम्युनिटी ने ज़्यादा दिया है, और उसमें जो हिस्सेदारी रही वो भी, वो शेखावटी बेल्ट जो है किसान मूवमेंट का एक सेंटर रहा, और वहाँ जो मेजर कम्युनिटी है वो जाट कम्युनिटी रही है, तो इसीलिए किसान का जो मतलब जो निकला वो जाट कम्युनिटी ज़्यादा निकला है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये एक लड़ाई और ज़्यादा, ये जो बीजेपी के अगेंस्ट एक मूवमेंट है, ये मूवमेंट और ज़्यादा बड़े स्केल पे है, चूँकि जब हम किसान कहते हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो 30% जाट ही हैं, 67% की बात कर रहे हैं, और किसान के वो सारे मुद्दे जो 29% के लिए हैं वो 67% जनता के लिए भी हैं, तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और डिफ़िकल्ट हो गई। हाँ, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि लेकिन बाद में जब इस मूवमेंट में हमने देखा कि इस बार के मूवमेंट में ये बात नहीं थी, इस बार के मूवमेंट में लगभग बहुत सारी कम्युनिटीज शामिल थी, उसमें बेसिकली यादव है, गुजर है, जो खेती से जुड़ी हुई मीणा कम्युनिटी है, नहीं और विष्णुई है, तो इस बार एक वाइड स्प्रेड था। लेकिन फिर भी मैं ये जो आप जो बात उठा रहे हैं वो ये पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसान कम्युनिटी में जो लीडरशिप दे रहा था वो जाट कम्युनिटी ज़्यादा इन्वॉल्व थी, तो मुद्दा 67% का था। इसीलिए मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा भी कि राजस्थान में किसान आंदोलन है वो वैक्यूम है, और यहाँ सबसे बड़ी जो संभावना, अगर पूरे देश में अगर सर्वे करें तो राजस्थान वो ज़मीन है जहाँ किसान आंदोलन के लिए सबसे फर्टाइल भूमि है, और यहाँ बहुत बड़ा किसान आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, बेसिकली लीडरशिप हो। और आप देखिए कि किसान के नाम पर खड़े भी होते हो तो लोग पीछे आते हैं, जैसे अभी यहाँ पर एक निर्दलीय विधायक है हनुमान बेनीवाल, मुझे नहीं लगता कि उनका किसान से कोई सीधा सीधा ताल्लुकात है और खेती और किसानी के बारे में जानकारी है, तो भी वो कई बार रैली का नाम देता है, किसान हुकार रैली, तो लोग आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि किसान मूवमेंट के लिए यहाँ ज़मीन तैयार है बहुत ज़बरदस्त, और इस बार सरकार जो भी बने, लेकिन मुझे पूरा मैंने देखा है कि यहाँ किसान आंदोलन का एक बड़ा आधार तैयार हो गया। और बेसिकली किसान मूवमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, आपके डिस्क्रिप्शन के अनुसार किसान एक किसानी एक सेंटिमेंट है यहाँ पे, एक वो लीडर जो कि
फार्मिंग की एबीसी नहीं जानता है, लेकिन वो जब एक अपने मूवमेंट का एक नाम देता है जो नाम किसान से रिलेटेड है, तो लोग बड़ी संख्या में उसके पीछे आते हैं। तो बेसिकली किसान एक सेंटिमेंट है, और ये सेंटिमेंट किस तरह से इम्पैक्ट करेगा इस इलेक्शन को, उस पर आप जरा सा डिटेल बताएं। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि किसान एक सेंटिमेंट है मूवमेंट के लिए, लेकिन इलेक्शन के लिए ये सेंटिमेंट्स नहीं है। इलेक्शन में कास्ट हावी होती है, तो ये एक आपको लगेगा कि जैसे मैं मूवमेंट करूँगा किसान के नाम पर तो मूवमेंट आएगा, लेकिन मैं किसान के नाम पर पॉलिटिक्स करूँगा तो पॉलिटिक्स नहीं आ रही है। वो किसान वोट बैंक में एक ग्रुप के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, और इसीलिए किसान बड़ा किसान का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता है। जैसे ही हम चुनाव में उतरते हैं तो कास्ट प्रमुख मुद्दा हो जाता है। दलित जातियाँ अपना एक तरफ, वो किसान के मुद्दे से बिल्कुल दूर हो जाएगी। नहीं, SC ST जो है, आपके स्वर्ण जो बड़ा किसान वर्ग है, वो बिल्कुल एकदम अलग हो जाएगा। और अंतिम रूप से किसान में कुछ जातियां जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। तो किसान राजनीति के लिए बड़ा मुद्दा नहीं बन रहा, किसान आंदोलन के लिए बड़ा मुद्दा बन रहा है। और जिस दिन किसान राजनीति के लिए बड़ा मुद्दा बन जाएगा, और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ तारिक जी, हमने कोशिश की थी कि किसान के मुद्दे से ज़्यादा किसान पुत्र का मुद्दा आए, और किसान पुत्र के मुद्दे में हमने बेरोजगारी की समस्या भी थी, गांवों की दुर्दशा थी, ताकि ये एक वाइड बने। क्योंकि हो क्या रहा कि खेती रोजगार का अब कोई विकल्प नहीं बच रही है, तो जो किसानों की जो युवा पीढ़ी है उसको जब किसान की बात करती है तो वो जुड़ नहीं रहा था, लेकिन जब उसके रोजगार की बात साथ की जाती है तो किसान के पुत्र का किसान से सेंटिमेंट्स जुड़ रहे थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 23 दिसंबर 2017 को हमने किसान संसद लगाई। प्रोफेसर योगेंद्र यादव और RS गठाड़ा, मैं खुद उसको लीड कर रहे थे। आपको ताजुब होगा, हमें खुद जब इसकी प्लानिंग कर रहे थे तो हमें लगता था कि 200 लोग कैसे जुटाएं, क्योंकि एक पार्लियामेंट लगानी है, लेकिन 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट किए। उससे हमें लगा कि इन बच्चों में किसान सेंटीमेंट्स बचा हुआ है, लेकिन उसे कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे रहा। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जानने की है कि BJP के जो दावे हैं कि उसने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, क्यों लगता है फिर कि इन सारे स्टेप्स को लेने के बाद, चूँकि क्रॉप फेलियर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्रॉप फेलियर के बाद जो किसान वो लिए लोन लिया हुआ होता है, चूँकि उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ तो कर्ज कैसे ये करेगा, तो इन सब पे BJP के भी अपने बड़े बड़े दावे हैं। इन दावों के बावजूद क्यों किसान उससे बहुत इम्प्रेस नहीं दिख रहे हैं? भारत की आज़ादी के बाद में किसान विरोधी सरकार तो लगभग सब रही है, लेकिन इतनी बड़ी किसान विरोधी सरकार कभी नहीं रही जो इतना झूठ बोलती है, जिसका नेतृत्व इतना सीधा सीधा झूठ बोलता है। हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, बीज होगा, पानी होगा, बिजली होगी, खाद होगा, दवाइयां होगी, मजदूरी होगी, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा, उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा, और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी। अब MSP में इन्होंने कह दिया यहाँ तक कि हमने तो लागत का ड्योढ़ा भाव दे दिया। आपको ताजुब होगा इनकी लागत कौन सी है। अरुण जेटली जी ने संसद में कहा कि हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया। इनकी लागत पार्शियल कॉस्ट है। पार्शियल कॉस्ट का मतलब समझते हो तारिक अनवर जी, जैसे 100 रुपये की लागत है जो C2 फॉर्मूले से, उसको मैं 40 बता दूँ और 40 पे ड्योढ़ा भाव करके 60 रुपये डिक्लेयर कर दूँ। होना तो चाहिए था 150 रुपये, और उस 60 को क्या बता रहे हैं। जो मैंने कहा था ना कि तीन तरह की लागत होती है, जो एक लागत होती है जिसको जिसपे MSP डिसाइड होता है, उसको वो लागत बता रहे हैं, और उसमें भी बहुत झूठापन है। इनकी जो फसल बीमा योजना है, आपको पता है उस फसल बीमा योजना में जो किसानों से जो पैसा लिया गया, और एक बहुत बड़ी बात फ्रॉड देखोगे आप, आपका बीमा किया जाता है तो आपकी कंसेंट तो ली जाएगी ना, इसमें जिस किसान का बीमा किया जाता है उसकी कंसेंट ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मेरा बीमा हो गया और मेरे पैसे भी काट ले। जिस जिसने KCC का फॉर्म भरा, बीमे की राशि काट ली।
अगर किसान ने तीन जगह से लोन उठाया तो तीन जगह से प्रीमियम कट रहा है किसान का, और उस किसान को ये भी पता नहीं है कि मेरा बीमा हो गया। बीमे की जो कलेक्शन जो था पिछले तीन सालों का, हमें डेटा हमारे गवर्नमेंट के आए, वो 27,000 करोड़ रुपये था जो किसानों से ली, और किसानों को वितरित कितने किया, 700 करोड़ रुपये। यह है फसल बीमा की वास्तविकता। अगर आपको फसल पूरी नष्ट भी हो गई तो भी ये कहते हैं कि नहीं, पूरे गांव का वो बताओ तब हम देंगे, अगर आप लड़ाई भी लड़ो तो इसका, हाँ इसका मतलब पता क्या होता है कि आपके घर में आग लग गई तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके पड़ोसी के घर में आग लगी कि नहीं लगी, आपके पड़ोसी के घर में आग लगी तो आपको बीमा देंगे। तो फसल बीमा के नाम पर ज़बरदस्त फ्रॉड केवल कॉरपोरेट कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाया गया। ऐसे ही वो जो इनका जो मृदा कार्ड जो बनाया था उसमें पूरी तरह से कॉरपोरेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने वो मृदा कार्ड बनाया। मैं ये नहीं कहता कि चलिए आप राजनीति कीजिए, एक बड़ा वर्ग था इस देश का, आप कर लीजिए, लेकिन इतना एंटी फार्मर्स, इतना एक आप देखिए कि जिस नीति पर बीजेपी चली है अगर उसको आगे बढ़ाते गए 5 साल 10 साल तो डिमांड ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि किसान केवल पैदा ही नहीं करता, वो बहुत बड़ा कंज्यूमर है, और अगर डिमांड ख़त्म हो जाएगी तो कंपनियों के लिए कोई उपभोक्ता नहीं बचेगा। ये कहते हैं कि हम 2022 में किसान की आय को दुगना करेंगे, पहले तो 2022 बोलना ही अपने आप में बड़ी बात, आपको 2019 तक या 2018 तक दिया था, बोल लीजिए 2022। आप देखिए जब बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर की सत्ता में आई थी उस समय एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट थी 4.1%, आज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है 2.1%। आपने जो डेवलपमेंट किया वो आप ही के डेटा आज बता रहे हैं, हालांकि इन्होंने जो स्टेटिक्स को इतना बर्बाद कर दिया कि विश्वास उठ गया ये बीजेपी के, फिर भी मानते हैं 2.1% आज। ये 2022 में अगर हम किसान के आय को दुगना करते हैं तो 13.5% ग्रोथ रेट चाहिए, हाउ पॉसिबल, इतना बड़ा झूठ बेचते हैं ये लोग। आप 4% से 2.1 और 2.1 से 13.5% आप लेके कैसे जाओगे? मतलब ऐसा समझा गया कि किसान जैसी एक कम्युनिटी है वो इतनी भोड़ी और इतनी बेवकूफ़ बनाई जा सकती है। सर आप मुझे बताइए, चूंकि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप जानते हैं, अगर आपको मैं ये कहूँ कि किसान के 10 बड़े क्या मुद्दे हैं जो इस इलेक्शन को प्रभावित करेंगे, जो इस इलेक्शन को डिसाइड करेगा, बुलेट पॉइंट में बताना हो, बुलेट पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ कि चूंकि आप पढ़ाते हैं तो आपको बुलेट पॉइंट का अंदाज़ा है, नटशेल में वो क्या मुद्दे होंगे? मैं किसान के मुद्दों से थोड़ा सा किसान पुत्र का मुद्दा मैं 10 पॉइंट बुलेट पॉइंट में बताता हूँ। पहला बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर है वो यह है कि जो किसान है वो निरंतर कर्जे में डूबता जा रहा है। नंबर 2, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। नंबर 3, एक किसान जो वृद्धावस्था में उसके लिए पेंशन, एक सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। नंबर 4, बिजली की जो दरें हैं जिनके लिए अभी भी जो घोषणा वो पूरी तरह से फ्रॉड है, अभी की है। क्या रेट है राजस्थान? अभी सरकार ने अभी जस्ट आचार संहिता लगने के बाद में ये डिक्लेरेशन किया कि हम बिजली के बिलों को माफ़ कर रहे हैं 833 रुपये, लेकिन उसमें बड़ा प्रॉब्लम सच ये है कि जिस किसान के नाम बिजली कनेक्शन है वो किसान 3 पीढ़ियों पहले वाला है, जिसका कोई आधार कार्ड नहीं है, जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, और अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद 60% लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगला पॉइंट, हाँ इसी तरह से जैसे मुद्दा आएगा आप इसमें जो होगा कि जो MSP पे जो खरीद होती है वो खरीद ही नहीं होती है, और ख़रीद होती है तो उसमें कई गुणवत्ता के प्रश्न लगा करके उनको बांट दिया जाता है। फिर सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है वो आता है कि किसान की जो दयनीय स्थिति है उसकी, और वहाँ शिक्षा का स्तर, चिकित्सा का स्तर, वो बड़ा मुद्दा है। इसी तरह से जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो एक बड़ा मुद्दा है कि वो बहुत कमज़ोर स्थिति है, और मैं आपको बता रहा हूँ पशुपालन में दूध का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसी तरह से जो किसानों के बेटों की जो बेरोज़गारी की स्थिति है वो एक बड़ा मुद्दा है। और अंतिम रूप से कहूँ तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है किसानी के लिए, कोई जो सब्सिडी का जो है वो सब्सिडी में धीरे धीरे सब्सिडी कम भी हो रही है, और सब्सिडी में कॉरपोरेट कंपनी आ रही है, वो एक बड़ा मुद्दा है। धीरे धीरे BT फसलों के माध्यम जो मुद्दों पर जो है कॉरपोरेट कंपनियों को प्रवेश करवाया जा रहा है, वो एक बड़ा मुद्दा है। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन अंतिम रूप से इन सारे मुद्दों का सबसे बड़ा मुद्दा 2 मुद्दों पर सेंट्रलाइज्ड हो जाता है,
किसान की लागत जो फसल का है पूरा दाम दे दीजिए और उसको ऋण मुक्त कर दीजिए और साथ ही किसान को एक सोशल सिक्योरिटी दे दीजिए। इस बार जो इस स्टेट में इलेक्शन होना है वो एक मैंडेट होगा वसुंधरा राजे सिंधिया के अगेंस्ट। वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की चीफ मिनिस्टर हैं उनके अगेंस्ट ये मैंडेट होगा और उसका रीज़न ये है कि इनके हिसाब से ये जो गवर्नमेंट रही है वो मोस्टली एंटी फार्मर्स गवर्नमेंट रही है और जिसका खमियाजा उसको इस इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। सीरीज़ ऑफ इश्यूज हैं किसानों के जो एड्रेस नहीं किए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने ये भी कही कि ये कांग्रेस के लिए बहुत खुशी की बात नहीं है बल्कि कांग्रेस ने भी उतना ही नेग्लिजेंस दिखाया है जितना बीजेपी ने नेग्लिजेंस दिखाया है। सरकारें आती हैं जाती हैं, पार्टीज़ चेंज होती हैं, कभी इस पार्टी की सरकार कभी उस पार्टी की सरकार, लेकिन जो जनता के अपने मुद्दे हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, 5 साल पूरा हो जाता है और लेकिन यही एक दिन होता है जब आप जनता के बीच दोबारा जाते हैं तो जनता एक एक वादों का हिसाब लेती है। दिलचस्प देखना ये होगा कि इस चुनावी होड़ में कौन आगे आता है।